ओके सो गाइस, कैसे हो यार सब लोग। आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ एक इस तरह की वीडियो एडिटिंग, जो वीडियो एडिटिंग ना इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी वायरल चल रही है। अगर आप अपनी खुद की फ़ोटोज़ की एक इस तरह की वीडियो एडिट करोगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग है, क्लासिक लगने वाली है। उससे पहले गाइस सबको वीडियो ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी घंटी का निशान है उससे आपको ऑल पे प्रेस करना है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइज क्या करो यार, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर अपने भाई को। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकती हो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN ऐप, ठीक है। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है VN वीडियो एडिटर मेकर, ठीक है। आपने इसे सर्च करना है और आपने प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ओके सो मैंने डाउनलोड कर रखा है, सो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइज एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और इस ऐप का नॉर्मल सेंटर फेस है, ठीक है। और आपको गाइज प्लस आइकन पर क्लिक कर रहे हैं और न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर रहे हैं और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। वीडियोज़ एंड फोटोज शो करेंगे, फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा है वीडियो, ठीक है, क्लिक कर रहा है। और आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रखी है उस वीडियो को गाइज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज मैंने वीडियो ऐड कर ली और यहाँ पे एक ब्लैक शो कर रहा है, ठीक है। सो इसे डिलीट करना है, डिलीट कर लेते, ब्लैक पे क्लिक कर रहा है और डिलीट पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्लैक डिलीट हो चुका और अब करना है क्या, इसमें फोटोज ऐड करना है, ठीक है। तो फोटो ऐड कर लेते हैं, साइड में एक ऑप्शन से होगा गाइज प्लस का आइकन, ठीक है, क्लिक करना है और वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है और वीडियो शो करना है, ठीक है। साइड में एक ऑप्शन से होगा फोटो, क्लिक करना है और गाइज आपके फोटो शो करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ से कुछ फोटो ऐड कर लेने, ठीक है, सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं कुछ फोटो ऐड कर लेता हूँ। गाइज मैंने कुछ फोटो ऐड कर ली, मैंने यहाँ पे 10 या 11 फोटो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। आपने 10 या 11 12 फोटो ऐड कर लेनी, ठीक है। फोटो आ चुके, जो फोटो है इनकी लेंथ छोटी करनी है, फोटो वाले लेयर पे क्लिक कर रहे हैं और आपने इस तरीके से सभी फ़ोटो की लेंथ छोटी कर लेनी, ठीक है। तो मैं सभी फ़ोटो की लेंथ छोटी कर लेता हूँ। गाइज मैंने सभी फ़ोटो की लेंथ छोटी कर ली, ठीक है। आपने फ़ोटो की लेंथ यहाँ पे 2 या 2.5 सेकेंड कर लेनी, ठीक है। सो गाइज मैंने यहाँ पर 2.5 सेकेंड कर रखी है। करने क्या है, वीडियो में साउंड ऐड करना है, ठीक है। साउंड के हिसाब से इन फोटो को सेट करना है। तो वीडियो में साउंड ऐड कर लेते हैं, एक ऑप्शन होगा ऊपर से म्यूजिक का आइकन, ठीक है, साउंड का आइकन क्लिक करना है और म्यूजिक पे क्लिक करना है और गाइज कुछ म्यूजिक शो कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें गाइज एक वीडियो ऐड करनी, जो आपने वीडियो डाउनलोड कर रखी है उस वीडियो को ऐड करना है। तो वीडियो ऐड कर लेते हैं, एक ऑप्शन से होगा गाइज पर प्लस का आइकन क्लिक करना है और कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक ऑप्शन से होगा एडजस्ट फ्रॉम वीडियो क्लिक करना है और गाइज आपने जो वीडियो डाउनलोड कर रखी है उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको ओके पे क्लिक करना है और गाइज ये साउंड हमारे उसमें ऐड हो चुका, मैं बैक करता हूँ, ठीक है। गाइज हमारा साउंड ऐड हो चुका, फर्स्ट में गाइज देखिए फर्स्ट में साउंड आ चुका है, ठीक है। और साइड में एक ऑप्शन जो है चूज क्लिक करना है, ठीक है। मैंने साउंड चूज कर लिया और टिक पे क्लिक कर रहा है और गाइज हमारी वीडियो में साउंड ऐड हो चुका। अब करने क्या है, सबसे पहले गाइज आपको वीडियो प्ले करना है, ठीक है। सो मैंने वीडियो प्ले करी, प्ले करने के बाद गाइज यहाँ पे बीट आ रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे से एक इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, एक एनिमेशन ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, जो फोटो वाली लेयर है क्लिक करना है और एक ऑप्शन हो रहा है नीचे एफएक्स, ठीक है, क्लिक करना है एफएक्स पे और कुछ इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको फोटो को इस तरीके से फर्स्ट मूव कर लेना है, ठीक है, और कुछ इफेक्ट शो कर रहा है। आपको जो भी इफेक्ट ठीक लगे, अच्छा लगे, आपने उस इफेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो मैं इस इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसकी लेंथ मैं लंबी कर लेता हूँ और टिक पे क्लिक करा और गाइज देख लीजिए फर्स्ट फोटो में इफेक्ट लग चुका है। और अब सेकेंड फोटो में ऐड कर रहे हैं, जो सेकेंड फोटो क्लिक कर रहे हैं और एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। सो इस फोटो को हम फर्स्ट खिसका लेते हैं और मैं इस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, थोड़ी सी लेंथ लंबी कर लेता हूँ, ठीक है। टिक पे क्लिक करा, आपको फोटो की लेंथ को गाइज छोटी या लंबी कर लेनी, ठीक है, साउंड के हिसाब से कर लेनी है। तो मैं थर्ड फोटो में ऐड करता हूँ, फोटो वाले लेयर पे क्लिक करा और हमें क्लिक करना उसके बाद एफएक्स पे और एक इफेक्ट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे ऐड करा, टिक पे क्लिक करा, गाइज आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। प्ले करने के बाद गाइज वीडियो प्ले और गाइज बॉल है और फर्स्ट फोटो में इफेक्ट लग चुका है, सेकेंड फोटो, ठीक है, आपने इस तरीके से ऐड कर लेना। और तो गाइज मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गाइज मैंने सभी फोटो में इफेक्ट ऐड कर लिया, ठीक है। आपने इस तरीके से इफेक्ट ऐड कर लेना और यहाँ पर गाइज हमारा साउंड है यहाँ पे 8 सेकंड है, ठीक है।
और जो फोटोज़ है ठीक है, इन्हें डिलीट करना है तो डिलीट कर लेते हैं। फालतू फ़ोटो पे क्लिक करा, डिलीट पे क्लिक करा ठीक है, आपने इस तरीके से डिलीट कर लेना ठीक है, अगर आपके उसमें फालतू फ़ोटो ऐड हो जाती है तो ठीक है। सो गाइस पे फोटो में लग चुका इफेक्ट और साउंड भी ऐड हो चुका है गाइस, देख लीजिए वीडियो यार अमेजिंग लग रही है। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी गाइस, देख लीजिए। और अब करना है कैसे, वीडियो को सेव करना है तो वीडियो सेव कर लेते हैं, ऊपर एक ऑप्शन से ऊपर एक्सपोर्ट क्लिक करना है। और गाइस आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।